नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। कुल शब्द 455, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह रिट याचिका आयुक्त चंबल डिवीज़न मुरैना द्वारा तारीख 6 मार्च 2018 को पारित उस आदेश उपबंध 1 को प्रश्नगत करते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर करते हुए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, जिसे आगे संक्षेप में अधिनियम 1993 कहा गया है, कि धारा 40 के अधीन पारित आदेश को अपास्त किया गया है। विराम। वर्तमान याचिका के निपटान के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ग्राम पंचायत जडेरू जनपद पंचायत पहाड़गढ़ जिला मुरैना के सरपंच के रूप में निर्वाचित के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कतिपय शिकायतें की गई थी, और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध पृथक जांच आरंभ की गई थी। विराम। यह भी अविवादित है कि जांच अधिकारी द्वारा पृथक प्रारंभिक जांच कराने के दौरान जांच अधिकारी द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विराम। इसके पश्चात तारीख 17 अप्रैल 2017 को प्रत्यर्थी संख्या 5 को इस बारे में एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी कि उसे अधिनियम 1993 की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग द्वारा सरपंच के पद से क्यों न हटाया जाए। प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध ये अभिकथन किए गए थे कि उसने 4,770 रुपये का दुर्विनियोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 5 को अन्य सूचनाएं भेजी गई थीं, और अंतिम सूचना तारीख 26 अक्टूबर 2017 को भेजी गई थी, और तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 5 ने तारीख 7 नवंबर 2017 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था। विराम। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत मुरैना ने तारीख 16 नवंबर 2017 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर संतोषप्रद नहीं है। विराम। क्योंकि जांच अधिकारी के जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकला है कि वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, और 4,770 रुपए की राशि का दुर्विनियोग किया गया है, इसलिए अधिनियम 1993 की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 5 को सरपंच के पद से हटाया गया था। विराम। पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने तारीख 16 नवंबर 2017 को हटाए जाने के आदेश से व्यथित होकर
प्रत्यर्थी संख्या दो आयुक्त चंबल डिवीज़न मुरैना के समक्ष अपील फाइल की थी और प्रत्यर्थी संख्या दो ने तारीख 6 मार्च 2018 के आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी संख्या पाँच के विरुद्ध पृथक जांच प्रारंभिक एवं उसकी अनुपस्थिति में की गई थी और चूंकि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अतिक्रमण हुआ है और तदनुसार सीईओ जिला पंचायत मुरैना द्वारा पारित आदेश आपस्त कर दिया गया था। विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।